नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिसिन के डॉक्टर रिचियास हेल्थ शो में। इस शो की खासियत यह है कि हम सभी चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखे, स्वस्थ दिखे, बहुत अच्छा हमारा लुक हो, जिससे हमारा जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन के साथ में हमारे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, और जब ऐसा नहीं होता तो हम चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट एडवाइस हमें मिले। तो इंडिसिन के माध्यम से और डॉक्टर रिचियास क्लिनिक के माध्यम से आज हम आपके साथ में लेकर एक यूनिक शो, डॉक्टर रिचियास हेल्थ शो। मैं स्वागत करता हूं स्टूडियो में डॉक्टर रिचियास जी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका जी। डॉक्टर, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम सब में एक आत्मविश्वास की कमी होती है, और जब हमारा अपीयरेंस में कहीं कोई कमी होती है, और जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है स्किन की। तो ये स्किन जो होती है, स्किन के मैं सबसे पहले सवाल ही आपसे पूछना चाहूंगा कि डिफरेंट व्यक्ति जो होते हैं उनके स्किन के टाइप भी अलग होते हैं, तो ये क्या टाइप हो सकते हैं? सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स जो आज मुझे यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इन BCN न्यूज़ चैनल के साथ में, मैं उन सभी को सादर जय जिनेंद्र करना चाहूँगी। और जैसा कि आज आपका क्वेश्चन है कि हमको स्किन के टाइप्स क्या होते हैं जी। तो नॉर्मली आज का जो हमारा एपिसोड है दैट इज़ स्पेशली वी कैन कॉन्सेप्ट ऑन द स्किन प्रॉब्लम्स। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो यही नहीं जान पाते हैं कि उनकी स्किन का टाइप कैसा है जी। तब ये प्रॉब्लम हमेशा फेसिंग होती है कि वह रॉन्ग प्रोडक्ट और रॉन्ग थिंग के तरफ बढ़ते हैं। तो नॉर्मली मैं ये बताना चाहूँगी कि बेसिक स्किन 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट स्किन, जिसको हम नॉर्मल स्किन काउंट करते हैं, नॉर्मल स्किन एक ऐसी स्किन होती है जिससे हम सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं कि स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं होती। और इस स्किन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऑल प्रोडक्ट इज़ वेरी इजीली कंफर्टेबल फॉर दिस टाइप ऑफ द स्किन। इस स्किन को बहुत केयरिंग की नीड नहीं होती है। पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक अक्सर देखने में आता है, यदि मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में ये देखा जाता है कि 90% स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उनकी सेबेशियम ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। और बहुत फ्यू लेडीज़ में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल होने की वजह से उनकी स्किन में पिंपल्स आना स्टार्ट होती है। तो इस टाइप की जो स्किन है उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करने की नीड होती है, क्योंकि वह बहुत बहुत जल्दी डार्क भी होती है और बहुत जल्दी उनका कलर और कॉम्प्लेक्शंस में चेंजेस और डिसीज़ भी होती है। उस स्किन में अक्सर पिंपल्स की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ यदि मैं थर्ड टाइप की स्किन की यदि बात करती हूँ तो वह स्किन होती है ड्राई स्किन। अक्सर हम विंटर में देखते हैं कि बहुत सारे फेसेस पे वाइट वाइट पैचेस दिखाई पड़ते हैं। तो ये पैचेस क्यों होते हैं? उसका रीज़न होता है कि विंटर में क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका होता है और स्किन बहुत ड्राई, ऑलरेडी मॉइस्चर लेस क्लाइमेट होने की वजह से स्किन हमारी डार्क कॉम्प्लेक्शन में और ड्राई होने लगती है। एंड दैट टाइम हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रॉपर अपनी स्किन की केयर करें, अदरवाइज वी हैव सफर द स्किन ड्राइनेस प्रॉब्लम। तो ड्राई स्किन में हमेशा ऑयल बहुत कम होता है, वाइट लुक होता है। अक्सर जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर होता है उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बहुत जल्दी देखने में आती है, और ड्राइनेस की वजह से एजिंग सेगमेंट भी बहुत जल्दी होता है। तो आपको सबसे पहले स्किन टाइप को जाना है। और फोर्थ, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्किन जिसको माना जाता है, वह स्किन होती है सेंसिटिव स्किन। अक्सर जो सेंसिटिव स्किन होती है वो पेशेंट ये जान ही नहीं पाते कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि उनकी नोज पे, फॉरहेड पे और डबल चिन में हमेशा बहुत एक्सेस ऑयल होता है और उनके चिक्स बहुत ड्राई होते हैं। तो वो ये समझते हैं कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है और वो ऑयली स्किन के प्रोडक्ट लगा के अपनी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं। तो हमेशा जब आप अपने मिरर में देखते हैं तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 50% फेस में ऑयल है और 50% फेस में रेडनेस है। तो दिस टाइप ऑफ पेशेंट हमेशा एक सेंसिटिव स्किन के होते हैं। तो यदि आप अपनी स्किन को जानेंगे तो आप अपनी होम केयर और अपनी केयरिंग बहुत अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर, बहुत बेहतर तरीके से आपने स्किन के टाइप जो है वो बताए हैं, लेकिन आम जिंदगी में क्या होता है कि आम लोग ये स्किन के टाइप नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ मेडिकेशन का, जैसा आप बता रहे थे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल कर लेते, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? नॉर्मली यदि हम, सबसे पहले तो एक स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट केयरिंग होता है डेली लाइफ में, क्योंकि
हम नागपुर विदर्भ जैसी सिटी में रहते हैं, अभी समर स्टार्ट हुआ है, अब धीरे धीरे ये होगा कि समर में टेम्परेचर 50-51 तक भी क्रॉस होता है चंद्रपुर नागपुर विदर्भ रीजन में। इन डेट कंडीशन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हमारी स्किन की डेली क्लींजिंग, क्योंकि हमने यदि स्किन टाइप अपना सेलेक्ट किया है और स्किन टाइप के हिसाब से यदि हम प्रॉपर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन हमेशा मेंटेन ग्लो और साइन रहती है। अदरवाइज़ यदि हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब को नहीं जान पाते और फील ये करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी साबुन, कोई भी सोप अपने फेस पे लगा लेते हैं, उसका रॉन्ग इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जैसे यदि आपकी स्किन ड्राई है और आपने लिया और कोई भी ऑयली वाली सोप, जैसे आपने नीम सोप यूज़ कर ली या मेडी सोप आपने यूज़ कर ली, सेवलॉन सोप अपने फेस पे यूज़ कर ली, डिटॉल यूज़ कर ली, यदि आपकी स्किन ड्राई है और इन दैट टाइम आपने ऑयल फ्री करने के लिए जो स्किन के प्रोडक्ट हैं वो आपने यूज़ किया, तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और वो ड्राई स्किन के साथ जब आप बाहर जाएंगे तो ये देखने में आएगा कि आपकी स्किन पे एक बर्न लेयर क्रिएट हो जाएगी एंड योर कॉम्प्लेक्शन विल बी द मोर डार्क। इसी तरह यदि आपकी स्किन ऑयली है और आपने डव सोप यूज़ कर लिया, डव फॉर द ड्राई स्किन, तो यदि आप इस तरह से एक रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपकी ऑयल और बढ़ेगा, सेबेशियम ग्लैम और एक्टिव होगी, तो आप ये देखेंगे स्किन में बहुत सारे पिंपल्स आना, अनइवन टोन होना, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो एक नॉर्मल एज ए डॉक्टर हम लोगों का ये सजेशन होता है कि सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन आप स्किन कीजिए, घर से निकलने से पहले यू कैन जस्ट प्रॉपरली क्लीन योर फेस। एक बहुत अच्छा, कभी भी फेस में सोप यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑलवेज़ रिकमेंडेड होता है कि आप अच्छी कंपनी का आपकी स्किन के हिसाब से, यू कैन टॉक विद डॉक्टर, यू कैन टॉक विद एक्सपर्ट्स एंड वो फेस वॉश आप यूज़ करिए। डिपार्टमेंटल स्टोर में अपने मन से भी प्रोडक्ट खरीदना बहुत रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होता है। देन सेकेंड होता है कि जब हमारी स्किन को नरिशमेंट की बहुत नीड होती है, क्योंकि वी हैव द थाउजेंड्स ऑफ पोर्चेस, हमारे पूरे फेस में हजारों ओपन पोर्च होते हैं, यदि हमने प्रॉपर नरिशमेंट पेनिटेशन नहीं दिया तो पोर्च लॉन्गली ओपन होकर हमारी स्किन में ड्राइनेस क्रिएट करेंगे, एक्सेस ऑयल, सेबेशियम ग्लैंड क्रिएट करेंगे। तो यदि हम एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन के पोर्च को ब्लॉक कर देते हैं तो हमको प्रॉब्लम सिक्रेशन नहीं होती। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सन ब्लॉक, SPF जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, क्योंकि जब एक हमने अक्सर, मैं काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम में लेक्चर्स देती हूँ, जब थाउजेंड्स ऑफ क्राउड हॉल में सिट होता है और मैं जब एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप में से कितने लोग यहाँ पे SPF लगा के आए हैं, तो आज भी सर ये देखने में मिलता है कि केवल 10 हैंड्स जो हैं वो पुश होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, क्योंकि SPF हमारी स्किन को कोट करता है बाहर से, कोट करता है, और बाहर से जब हम अपनी स्किन को जब कोट कर लेते हैं घर से निकलने के पहले, तो जो मॉइस्चर चेंजेस, जो सन हमारी स्किन में डायरेक्ट जाता है, उसका इफेक्ट काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। विटामिन डी के अलावा फिर सन के और कोई भी रिफ्लेक्शन हमारी स्किन में नहीं जा सकते। और नॉर्मली लोगों का एक रॉन्ग ओपिनियन है, मैं तो कपड़ा बांध लेती हूँ आजकल, बहुत ज्यादा चलन, और ये देखा जा रहा है कि लड़कियां तो लड़कियां कपड़ा बांधती हैं नागपुर जैसे शहर में, अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा आप देखेंगे तो आजकल लड़के, मतलब मेल कैंडिडेट्स भी जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर अपने मुंह को ढक के गाड़ियां चलाते हैं, टू व्हीलर में अगर आप देखेंगे तो उससे वो डस्ट तो कवर कर लेते हैं पर फिर भी हीट तो जाती है, बिल्कुल, तो हीट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो दैट इज अ थिंग्स कि हमको हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए SPF का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और SPF का भी सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि SPF देयर इज़ अ टू और थ्री टाइप इन द मार्केट। एक होता है कि जो केवल टू या थ्री आवर्स ही लास्ट करता है, नॉर्मल कंपनी जो SPF बनाती है वो केवल सनस्क्रीन बनाती है, सन ब्लॉक्स नहीं बनाते। तो मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम अपनी स्किन में सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो थ्री आवर्स में आपके सॉर्टिंग के साथ वो बाहर हो जाएगा, आप जैसे नैपकिन से क्लीन करेंगे होल डे आपको पसीना आता है तो वो निकलता चला जाता है, पर यदि हम सन ब्लॉक लगा लेते हैं तो वन टाइम वी कैन अप्लाई, तो इट विल बी लास्ट फॉर द होल डे, जब तक हम अपने फेस को फिर से वॉश नहीं करेंगे जब तक वो लास्ट करता है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सेकंड, जो आप कपड़ा बांधते हैं और अंदर यदि SPF होता है तो आपका स्किन टैन नहीं होता है। तो क्लॉथ इज द इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट द डस्ट, इट इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट द रिड्यूस द सन का टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, बट इट्स नॉट कवर द प्रॉब्लम। तो एक बहुत, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप कपड़ा बांधते भी है लेकिन वो हीट की वजह से आपकी स्किन इंटरनली कहीं ना कहीं डैमेज हो ही रही है, जिसके लिए आपको SPF का जो SPF का जो यूजेस है वो करना। देखिए मुझे भी जानकारी नहीं है बट आज के बाद में मुझे भी उसका प्रोटेक्शन जरूर करना पड़ेगा। आपने स्किन के टाइप के साथ में जो ये बताएं, तो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं?
दैट इज दिस इज 2 या 3 मिनट्स वर्किंग. जस्ट वॉश योर फेस इन विद द योर टेक द बाथ एंड देन यू हैव टू कम ऑन द ड्रेसिंग. जितनी देर में हम कॉम करते हैं उतनी देर में ही हम एक मॉइस्चराइजर और SPF लगा के अपने घर से जा सकते हैं. और सेम एक प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि जब नाइट में वो घर वापस आते हैं तो अपने फेस को वॉश नहीं करते. दैट इज़ अगेन अ वेरी बैड थिंग. जब यदि हम नाइट में अपने घर में जॉब से पहुंचते हैं तो बाहर का डस्ट और पूरा हमारे फेस में मल्टीपल बैक्टीरिया होते हैं. इवन हम बहुत सारे वायरस को भी अपने फेस पे रखते हैं, क्योंकि आज यदि हम देखते हैं तो हर व्यक्ति फुल टाइम मोबाइल वर्किंग करता है, फुल टाइम हम लैपटॉप के सामने होते हैं, कंप्यूटर्स के सामने होते हैं. तो इनडायरेक्टली सैटेलाइट में बहुत सारे वायरस हैं. सैटेलाइट से इतना सारा रेस हमारी इंडिया पे या पूरे वर्ल्ड में है कि हम हर टाइम सैटेलाइट के रेस के कॉन्टेक्ट में हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अपनी स्किन को, अभी इवन ऐसे SPF भी मार्केट में आ गए जो ब्लू रेस को प्रोटेक्ट करते हैं. अभी जस्ट 3 डेज पहले एक ब्रांड ने ऐसा SPF लॉन्च किया है, जैसे आज चश्मे आने लगे हैं कि जो सनरेज से अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे SPF भी मार्केट में हैं जो इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. तो नाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब भी हम अपने घर पे पहुंचते हैं तो प्रॉपर स्किन को हमको क्लीन करना चाहिए. क्लीन करने के बाद में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि जैसे हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत डल है तो अब फेयरनेस क्रीम हमको नाइट में यूज़ करना चाहिए. नॉर्मली लोग फेयरनेस क्रीम डे में लगा के मूव करते हैं, तो दैट इज़ अगेन रॉन्ग थिंग. कभी भी स्किन हमारी दिन में फेयर नहीं होती, दिन में केवल प्रोटेक्ट होती है. और नाइट में जब हम वो फेयरनेस क्रीम, या हमको पिंपल्स की प्रॉब्लम है एंटी पिंपल्स क्रीम, हमको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, यदि स्किन में रिंकल्स हैं तो एंटी रिंकल स्किन, बहुत ज़्यादा रोशिसिया स्किन है, रेड स्किन होती है, तो नाइट में जब आप वो क्रीम लगाते हैं तो आपका रूम डार्क होता है. तो जब वो रूम डार्क होता है तो वो हमारे मेलानिन्स कंट्रोल करता है. तो दैट टाइम वी कैन गेट द वेरी गुड रिजल्ट. जब हम सेकेंड डे मॉर्निंग गेट करते हैं तो आप खुद अपने फेस पे डिफरेंस देख सकते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेगुलर मेंटेनेंस में, नाइट मेंटेनेंस ऑल्सो. एक सवाल मेरे मन में ऐसा आया कि एक ब्यूटिशियन और डॉक्टर के बीच का फर्क आजकल नहीं समझा जाता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सुंदर दिखने के लिए ब्यूटिशियन के पास में जाते हैं, उसने समय के लिए हम सुंदर जरूर दिखते हैं, लेकिन उसके भी तो कुछ दुष्परिणाम होंगे. देखिए, ब्यूटिशियन की जो वर्किंग है, नॉर्मली ब्यूटिशियन केवल फेशियल वर्क करती है. जी, फेशियल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो हमारी स्किन में डीप क्लिंजिंग करके, मसाज करके नरिशमेंट देते हैं. पर हमको आज ये प्रॉब्लम नागपुर में नहीं, इवन मैं इस फील्ड में भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो इसमें एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो देखने में आता है, इनसफिशिएंट नॉलेज. आज नागपुर में भी काफ़ी सारी ब्यूटिशियंस हैं. आप यदि पार्लर में जाते हैं और पार्लर वालों से बोलते हैं कि मेरे को पपाया फेशियल करना है या मेरे को एंटी एजिंग फेशियल करना है मेरे को, तो ब्यूटिशियन को उस टाइम ये गाइडलाइन देना चाहिए कि मैडम पपाया इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, या एंटी एजिंग के लिए आपको ये ट्रीटमेंट नहीं, ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या ये वाला फेशियल आप कीजिए. तो उसमें एक प्रॉब्लम कहाँ पे फेस होता है कि वो ब्यूटिशियन विदाउट प्रॉपर नॉलेज, कुछ तो नॉलेज रखते हैं पर आज 90% ब्यूटिशियन विदाउट नॉलेज रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, उसे प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्किन. तो उसमें ये प्रॉब्लम हमको फेस होता है कि स्किन में समटाइम रैशेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. पर डॉक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे आज मेरी प्रैक्टिस है, वी कैन मेक द इंक्वायरी बुक कि आज प्रीवियस ट्रीटमेंट्स कहाँ लिए हुए हैं, आपने हमारे पास आने के पहले कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, आपको मेडिकल इलनेस क्या है, क्योंकि स्किन जितना हमारा कोरिलेटेड एक्सटर्नली है इससे ज़्यादा कोरिलेटेड इंटरनली है. एक्सटर्नल हम केवल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर इंटरनली अक्सर ये देखा गया है कि ड्यू टू द रॉन्ग हैबिट्स, क्योंकि आजकल जंक फूड का इंटेक बहुत बड़ा है. जंक फूड में बहुत ज़्यादा चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, कैलेस्ट्रॉल बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और फैट बहुत क्वांटिटी में होता है. अक्सर ये देखने में आया कि ड्यू टू द इंटेक्ट ऑफ यंग जनरेशन में तो अक्सर ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है. आज जोमेटो ने तो और इजी कर दिया उसको. तो आज ये चीज़ आ गई है कि हर व्यक्ति तुरंत ऑर्डर करता है एंड दे कैन पिक द फूड्स, पर उससे वो अपनी बैकलॉग नहीं कवर पाते कि उनका इंटरनल डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब होता है, उनकी बॉडी में एक्सेस फैट एक्सेस कैलोरी जाती है. तो दैट्स वाई दे आर गेटिंग द मोर सफर द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, मोर सफर द प्रॉब्लम ऑफ स्किन डिसीज. और इससे एक बहुत बड़ा बैकलॉग हो रहा है कि हमारी स्किन के विटामिन्स कम हो रहे हैं, कि जो न्यूट्रिशन फूड हमको मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन लैक होता चला जा रहा है. एंड दैट टाइम ये सफ़र हो रहा है कि काफ़ी पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं. आज PCOD डिसऑर्डर, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी
अक्सर 16 ईयर से लेके जो पहले 30-35 ईयर में लेडीज़ को प्रॉब्लम होती थी, अक्सर 16-14 ईयर की लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवरी की तकलीफ देखी जा रही है। इसी के साथ में अक्सर देखा जा रहा है कि थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका प्रमाण भी काफ़ी परसेंट थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्किन डिसीज में अनइवन डाइजेशन की प्रॉब्लम लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और इवन ये देखा जाता है कि जब वो न्यूट्रिशन लेवल उनका वीक होता है तो उनकी डार्क सर्किल, हेयर फॉल होना, स्किन कलर डार्क होना, ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। यदि बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट आपकी आई सर्किल पे या आपके हेयर फॉल पे या बॉडी में विजिबल दिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर मेंटेन कर सकते हैं, वो ब्यूटिशियन नहीं कर सकते। डॉक्टर, आपने ब्यूटिशियन, आपने जो आपकी जो महारत जिसमें हासिल है, आपने अब तक कई हमारे नागपुर का गौरव भी है, भूषण भी है, आपने कई अवार्ड्स भी जीते हैं इस क्षेत्र में। तो ये सब करते करते देखिए, एक होता है ट्रीटमेंट जो आप फिजिकली करती हैं, लेकिन वो फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको कई ऐसे पेशेंट्स भी मिले होंगे जिनको आपको साइकोमेट्रिक तौर पर साइकोलॉजिकली उनको काउंसिल भी करना पड़ा होगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मेरा एक पहलू तो आपने जाना है कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, एक पहलू आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने नमोकार मंत्र पे PhD किया है। अरे वाह, क्या बात है। तो वो जो है वो स्पिरिचुअल हीलिंग है। तो अभी मैं लास्ट 2 ईयर से मेरे जितने पेशेंट्स होते हैं, मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि इनको स्पिरिचुअली भी मैं चेंज कर सकूँ। तो ट्रीटमेंट करने में भी कहीं ना कहीं आसानी हो जाती होगी, पेशेंट को भी समझने में बहुत आसानी हो जाती होगी। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड यदि रहेगा पेशेंट का, तभी वो रिजल्ट पा सकते हैं। इवन हर चीज़ में, कोई भी डिसीज़ को यदि हम कवर करें, यदि वो हमारे साथ पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव है, और यदि वो उनका पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं है तो मैं कितना अच्छा भी ट्रीटमेंट कर दूं, दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। बिल्कुल सही बात कही, एक कहावत है कि अगर कोई सचमुच सोया हुआ है तो हम उसको जरूर जगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोने का अगर नाटक कर रहा तो उसको आप कितने भी प्रयास कर लो हम नहीं जगा सकते। दोस्तों, कहते हैं कि जो कान हम छेदते हैं बचपन में, हमारी परंपरा रही है, लेकिन वो सुनार से अगर हम छेदें तो वो सही होता है। इसी तरह से जब हमें कोई ट्रीटमेंट लेनी है जैसे स्किन रिलेटेड है, और हम डॉक्टर रिचर्ड जैसे अगर हाथों से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और उसके जो परिणाम होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगी? आज मैंने जो आपको सब्जेक्ट दिया है कि केयर योरसेल्फ, ये आज का हेल्थ शो का मेरा सक्सेस तभी होगा कि आप अपने आप को अपने से ज़्यादा प्यार करेंगे और अपनी स्किन को उतना ही केयर करेंगे जो मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी बात आपने कही है। चलते चलते देखिए, मैं दर्शकों से भी विनती करना चाहूँगा, एक स्वस्थ शरीर जो होता है उसमें ही एक स्वस्थ मन रहता है। हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं, जितने हम शरीर से सुंदर दिखना चाहते हैं उतना मन से भी सुंदर है। और डॉक्टर रिचा जो है वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में स्पिरिचुअल हीलर भी है, तो ऐसे जब हमें एक्सपर्ट्स मिलते हैं तो उनका हमने लाभ ज़रूर लेना चाहिए। डॉक्टर रिचा हमारे नागपुर की है और पूरे क्षेत्र में उनका नाम है, तो हम चाहेंगे कि उनका भी लाभ हमारे दर्शक भी ले। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपके आने का, और हमारा ये सिलसिला लगातार हमारे दर्शकों के लिए चलता रहेगा, बातचीत करते रहेंगे। बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है इन पर, जैसे हम बात कर रहे थे स्किन पर बात करनी है हमें, ऑबेसिटी पर बात करनी है, प्लस हमें हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करनी है। ये सिलसिला दोस्तों हमारे साथ में ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर रिचा से हम समय समय पर बात करते रहेंगे डॉक्टर रिचा हेल्थ शो में। नमस्कार।